नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टुडे। टुडे मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है, चाय की दुकान से लेकर के पान के दुकान पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में बेगूसराय टुडे की टीम निकल चुकी है विधानसभा का हाल जानने के लिए, जनता से पूछने के लिए। तो अभी मैं पहुंची हूं मिठिहानी विधानसभा में, जहां पे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बोगस सिंह का राज है। तो आइए मैं जानती हूं उनसे कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बोगस सिंह अपनी जनता के दिलों में कितना राज कर पाए हैं और अपनी सीट को कितना सुरक्षित कर पाए हैं, आइए जानते हैं। आपके विधायक बोगस सिंह है विधानसभा, उनका तो मेरा भी हुई होगा ना। अच्छा, तो बोगस सिंह से खुश हैं आप? जी बहुत खुश है। कैसे काम उन्होंने किया? लेकिन अब यहाँ जैसे नाले का काम किया, सड़क का काम किया, वो पहले भी उन्होंने बताया, वही काम यहाँ भी। लेकिन यहाँ मसला जितना भी मसला आता है वो यहाँ पे सीए और एनआरसी पे टिका हुआ है। हाँ। अगर सरकार इंडिया सरकार हम चाहेगी सीए का फिर वापस ले लेगा, हम उसको वोट करेंगे उनको। अच्छा, सीए आप भी मतलब सीए के चलते उनको आगामी विधानसभा चुनाव में उनको नहीं जी उनको नहीं देना चाहेंगे? नहीं देना चाहिए सरकार अपना। सरकार बोगस सिंह ने लागू किया सीए? क्या सीए सरकार के केंद्र सरकार के माध्यम से लागू हुआ, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप उसको राज्यसभा में या लोकसभा में उसको आप वोटिंग कर रहे हैं उसके फेवर में, इसलिए आपको वोट नहीं देंगे। क्यों, आपको सीए से क्या तकलीफ? सीए से तकलीफ कहीं ना कहीं लोगों की नागरिकता छीनने का भी काम कर रहा था। जैसे आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, कैसे मेरी नागरिकता कैसे मेरी छीने गई? अगर तो मेरे बाप इसके खिलाफ है तो यही कहना। हाँ वही बोला, मेरे बाप दादा का वहाँ पे रिकॉर्ड मांगा, जैसे कि मेरा नाम में जैसे कि कुछ त्रुटि आएगी, जैसे कि डबल ओ के जगह कहीं यू आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी धो करेगा दो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आदमी धो करेगा, ये दो बंदा है यहाँ पे, तो वही कर रहा है ना। तो उसके आप उसके लिए आप सही से त्रुटियाँ सुधार होंगी तो सुधार करेंगे। लेकिन अब बहुत पूर्व से बाप दादा के नाम में अगर कहीं पे यू आ रहा है, बाप दादा था हमारा इंतकाल करके, हम उनके नाम में कैसे सुधार करेंगे? क्यों नहीं सुधार कर तो सकते हैं? कैसे करेंगे दादा के नाम पे कैसे सुधार? उनके नाम हमारे पास, उनका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर अभी हमको बोलेंगे उनका जन्म प्रमाण पत्र ला दो, हम कहाँ से ला कर देंगे? आप सुधार करने के लिए गए थे कहीं पे क्या? अब नहीं, अब हम अपना कर रहे हैं, मेरा जो पर्सनल है हम अपना कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोले कि त्रुटियाँ ये जो है गलती फिर सुधार? नहीं, गलती सुधार होगा मेरा खुद का होगा। अब हम चाहेंगे मेरे दादाजी में जो गलती है वो सुधार हो पाएगा वो? अच्छा, ऐसा है? किसने हो पाएगा? मैं खुद से, मुझे कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ऐसा है? तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से आप बोगस सिंह को नहीं लाना चाहते? जी नहीं, अगर लाना चाहेंगे, अगर हमारी बात को वो सरकार तक रखे तो उनको वोट ना जोड़ चाहेंगे हम। जैसे कि आप केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को जाकर बोले कि भाई यहाँ हमारा विरोध हो रहा है, कि क्या आप अपना एक्शन लीजिए। आप जो बोलते हैं कि हम एनआरसी नहीं लाएंगे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं, लेकिन एनपीआर का वो समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो दोनों एनसीआर एनपीआर से ही एनसीआर बनेगा, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो नीतीश सरकार आप बोल दे रहा है कि हम एनसीआर या एनपीआर का हम लागू नहीं करेंगे, तो हम नीतीश को वोट देंगे, जोड़ देंगे वोट। अच्छा, तो आपका नाम? महबूब आलम। कौन से विधानसभा आपका पड़ता है? मटिहानी है। मटिहानी जी। आपके यहाँ के विधायक बोगस सिंह है? बोगस सिंह जी। बोगस सिंह के काम से आप क्या लगता है? ये काम से क्या लगता है उनका? 50-50 है। 50-50 है, कैसे? अभी हमारे वार्ड नंबर 44 में आप जाएंगे देखेंगे, उन्होंने नाला बनाया है। हाँ, लेकिन वो पानी उनके सरकार ने बनाया है, उनके तरफ से बना है, लेकिन वो पानी कहाँ निकलेगा इसका कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। जो पानी बारिश होता है वो नाले में आता है, वहीं पर जमा रह जाता है, सिर्फ नाम का नाला बना हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? वो 50-50 कहेंगे। तो आप उनके काम से खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, ना नीतीश कुमार से खुश हैं हम। उनका सीए पे वो वोट दे के आते हैं, एनपीआर पे उनको समझ में नहीं आता है, और एनआरसी का वो विरोध करते हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, वो खुद कन्फ्यूज है। वो सीए का विरोध कर रहे हैं? सीए का सपोर्ट कही है, सपोर्ट किए। हाँ, एनपीआर पे उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। वो जाते हैं पाँव पकड़ने के लिए अमित शाह का, कि दो चीज़ हटा लीजिए, तीन चीज़ हटा लीजिए, एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव उनको नहीं लाना? बिल्कुल नहीं, नहीं लाना। नहीं, वजह एनआरसी सीए का वो समर्थन कर रहे हैं इसलिए? बिल्कुल। अच्छा, आप उनके विपक्ष में? बिल्कुल, मैंने उनको वोट दिया था। मैंने उनको वोट दिया था। अच्छा, वोट किस काम के लिए दिया? उनको विकास करने के लिए वोट दिया था, हमारी प्रॉब्लम को वो समझे उसके लिए वोट दिया था। अच्छा। जी, लेकिन आपके विचारों पे वो खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल नहीं है। सीए पे वो जाके वहाँ पे वोट करते हैं, एनपीआर पे जो परसों उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एनपीआर सही है या गलत है। अब वो बोल रहे इससे नया कॉलम हटा दीजिए, अब वो अधिसूचना जारी कर दिए कि 2 मई से बिहार में एनपीआर का काम चालू हो जाएगा, तो उस वक्त आपने समझा क्यों नहीं? अच्छा,
जब आपने अधिसूचना जारी किया उससे पहले आपको समझनी चाहिए ना इसमें क्या गलतियां हैं नहीं हैं। आपने अधिसूचना जारी कर दिया, अब आप बोलते हैं इसमें चार कॉलम गलत है। तो आपके विधायक ने आपके दिलों में राज नहीं किया? वो भी हमसे इस मैटर पर बात नहीं की अभी तक, नहीं आए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जहांगीर आलम। बेगूसराय। आपकी आपके यहाँ की विधायक कौन है? गिरिराज सिंह। विधायक? सांसद? सांसद हुआ विधायक बोगो सिंह है। गिरिराज सिंह। बेगूसराय विधानसभा के विधायक कौन है? विधायक हुआ ये गिरिराज सिंह। सांसद कौन? सांसद का गोगो सिंह है। सांसद गोगो सिंह। आपके इलाके में विधानसभा का कोई काम हुआ है? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ नज़र नहीं आ रहा? चलिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सालकिन। चलिए धन्यवाद। मटिहानी विधानसभा में आप पढ़ते हैं। आपके विधायक कौन है? ये बोगो सिंह है। बोगो सिंह है। आप उनके काम से कितने खुश हैं? बहुत अच्छा खुश है। उनका काम बढ़िया होता है। बढ़िया चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? हमारे गांव में अभी रोड नाला जो भी है और विधायक के अंतर्गत जो भी काम पड़ रहा है हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। आप अपने विधायक से खुश हैं? जी हाँ खुश है। कितना खुश है? बहुत ही खुश है। क्यों? क्योंकि वो काम बहुत ही सारा किए हैं और गरीबों का मसीहा हुए। वो गरीबों के मसीहा? जी हाँ। कैसे लगता है खुश? हम लोग जब तक भी अभी तक गए जनता दरबार में अभी तक वापस निराश कभी खाली हाथ। जनता दरबार भी लगाते हैं वो? हाँ। कब कब लगाते हैं? शनिवार या बृहस्पति को लगा। कभी आप गए जनता दरबार? हम तो नहीं गए हैं, लेकिन अदर जितना भी गए हैं वो खुश होकर आए हैं। किन्हीं को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अच्छा। जी हाँ। आपके विधायक बाबा सिंह है।